अच्छा बताओ, चलो ट्राई करते हैं। देखो ठीक है, तो जिनको है ना जाना जा सकते हैं, डाउट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग अभी। तो हाँ, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना बताओ, ट्राई करते हैं। 52 पॉइंट्स एंड फोर्सेस के क्वेश्चन। 52 कहाँ है? फिफ्टी टू। एक तो ये है तुम्हारा आईआईडी दिख रहा है, कोई क्वेश्चन। अच्छा ये नॉर्मल वेरिएबल पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ये तो कौन सा है? अच्छा ये 52। ओके तो क्या बोल रहा है ये? एंटी पॉइजन प्रोसेस है विद रेट लैम्डा और एक्स एन बराबर एन ऑफ एन है। अच्छा तो मतलब ये है कि तुम्हारा एक्स वन का मतलब हो गया, तो यहाँ पे अपने तरफ से नोटेशन डिफाइन किया है, ठीक है ना? जैसे एन ऑफ वन, एक्स टू, एन ऑफ टू, इस तरह से। तो एक्स एन का मतलब है कि एन ऑफ एन। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये बताओ एक्स एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सो ये पॉइसन एन लैम्बडा, और यहां इसने रेट दिया है लैम्बडा है, ठीक है। एंटी पॉइजन प्रोसेस है, एंटी पॉइजन लैम्डा टी है, तो एक्सएन जो है पॉइजन एन लैम्डा है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? तो मिस्टर द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक्सएन एक ट्रांजिएंट मार्कोव चेन है, एक्सएन रिकरेंट मार्कोव चेन है, बट कोई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। एक्सएन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके पास, एक्सएन इज इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन। बस इसको मार्कोव चेन बनाओ, इसको ट्राई करो, क्या करोगे? कैसे मार्कोव चेन? तो इसका रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस एक्स एन का सपोर्ट क्या है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो ये जो स्टेट स्पेस आ गया तुम्हारा, अब स्टेट स्पेस आ गया तो क्या फाइंड करोगे? स्टेट स्पेस आ गया तो अब जैसे तुम्हारे पास है वन, मतलब 0, 1, 2, 3, अब निकालो इसका प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 0 से 1 जाने की, क्या प्रोबेबिलिटी है निकालो। तो ये है ना, सो प्रोबेबिलिटी मान लो एक्स वन बराबर 0 है, तो एक्स टू बराबर 1 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? निकाल लोगे? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लगाओ। तुम्हें यही चेक करना है कि अगर ये, अब ये कोई तुम्हारे पास ये पूछ रहा है कि ये मार्कोव चेन पूरा रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है, तो क्या करना पड़ेगा? रिकरेंट कब होता है? जब कम्युनिकेटिंग क्लास होगा जब। हाँ तो देखो, एक दूसरे से तुम कम्युनिकेट कर सकते हो, तो वही निकालना है प्रोबेबिलिटी तुम्हें। प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आता, बेसिक तो बेसिक क्वेश्चन हो गया रैंडम वेरिएबल का। नहीं, इसमें कैसे निकालना तो पहले ना ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स लिखो, इसका लिख के बताओ क्या आएगा। 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये निकालो, ट्राई करो। इस तरीके से है ना, तो 0 से 0 जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है पहले तो ये निकालो। देखो तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जैसे तुम लिख रहे हो एक्स एन, तो
एक्स एन है पॉइजन एन लैम्बडा, तो वो प्रॉपर्टी निकाल। जैसे मान लो मैं बोलूं कि एक्स वन इज जीरो एंड एक्स टू इज ऑल्सो जीरो, तो इसका क्या मतलब होगा? या तो इसको मैं ऐसे लिख लूं उस तरह से कि एक्स टू का मतलब है एन टू इज जीरो गिवन एन वन इज जीरो, यही मतलब हुआ ना? अच्छा, अब तो कंडीशनल लगा जी जी अब आपको ये प्रॉपर्टी निकालनी है, वो पॉलीनोमियल करके हम कर सकते हैं। n2 इज जीरो इंटरसेक्शन n1 इज जीरो एन अपॉन प्रोबेबिलिटी n1 इज जीरो, ये निकालो कितना आएगा। तो पहले एक मिनट में कितने कस्टमर आए यहाँ पे? जीरो, और अगले वन मिनट में भी जीरो। प्रॉपर्टी निकालो, माइनस टू लैम्डा होगा। हम उस सॉल्व करके देखना पड़ेगा तुम्हें। तो एम टू का वैल्यू इन टू दी पावर माइनस टू लैम्डा, एन टू तुम क्यों पहले निकाल रहे हो? तुम डायरेक्टली एन टू क्यों निकाल रहे हो? तुम्हें मीनिंग भी तो समझना है। हाँ, क्योंकि तुम्हें पहले तो एन वन देखना है ना कि एन वन इज जीरो, पहले एक मिनट में जीरो कस्टमर आया, एंड पहले एक मिनट में जीरो कस्टमर आया, अब ये बोल रहा है पहले दो मिनट में जीरो, मतलब नेक्स्ट वन मिनट में भी जीरो कस्टमर आया ना, इसे क्या मतलब है? टाइम जीरो टू वन में जीरो कस्टमर है, वन से टू में भी जीरो कस्टमर है, तो मतलब नेक्स्ट वन वही होगा, तो दोनों सेम ही हो जाएगा, एन वन इज जीरो एंड एन वन इज जीरो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो। तो पहले एक मिनट में जीरो कस्टमर आया एंड अगले एक मिनट में भी जीरो कस्टमर ही आया, सो एन वन इज जीरो, तो आई थिंक इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी है एन वन इज जीरो, कितना आएगा? कैंसिल होकर वन आ गया, एन टू का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एन टू? पहले मीनिंग समझो ठीक से, कुछ भी बोल रहे हैं। एनटी का मतलब क्या होता है? हां 0 टू टी टाइप में इधर। हां, यहां क्या मतलब हुआ? हां 0 टू 2 में कोई नहीं आया। हां, और यहां क्या मतलब है? 0 टू 1 में जीरो आया। तो 0 से 1 में जीरो अराइवल है, एंड यहां पे मिल रहा है 0 से 1 का अलग लिखना पड़ेगा ना, और 1 से 2 में कितना आया? यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, जीरो से वन का और वन से टू का, दोनों लिखना पड़ेगा, स्क्वायर हो जाएगा वो, क्योंकि जीरो से वन एंड वन से टू। तो जीरो से वन में जीरो कस्टमर है, टाइम जीरो से वन में, और टाइम वन से टू में भी जीरो कस्टमर है, तो ये है तुम्हारे पास। अब स्क्वायर करो, एक कैंसिल हो जाएगा, तो एक तुम्हारे पास रह गया। अब इसकी प्रॉबर्टी निकालो कितना आया तुम्हारे पास। अभी समझाने के लिए इतना लिख रहा हूं, तुम कुछ क्वेश्चन काट दो डायरेक्टली बता दोगे तुम क्या होगा। तो ये जीरो से जीरो का ही बात कर रहे हैं कि जीरो से जीरो क्या होगी। एक स्टेप में है ना, बोलो भाई। ये इतना एक्सपोनेंशियल वन क्या पॉइजन वन, पॉइजन वन में जीरो प्रोबेबिलिटी, e की पावर माइनस लैम्बडा, नहीं नहीं लैम्बडा क्या है तुम्हारे यहाँ पे, लैम्बडा टी ना, ठीक है, lambda, हाँ. e की पावर माइनस लैम्बडा आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है अभी कि स्टेशनरी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे स्टेशनरी का मतलब होगा, तो थ्योरम है, ऐसे मीनिंग है कि हर बार सेम प्रोबेबिलिटी होगी, लाइक
ठीक है, नेक्स्ट क्या लगता है तुम्हें, कोई चेंज आएगा? तो ये तुम्हारा जीरो से जीरो का आ गया, ऐसे ही जीरो से वन का ट्राई करो, ये क्या आएगा? जीरो से वन जाने के क्या हो गए? गेट में ऐसे आसान क्वेश्चन आते हैं, नेट में थोड़े ऐसे ना घुमाए क्वेश्चन आते हैं, तो हाँ इस तरह क्वेश्चन है, क्योंकि नेट में थोड़ा बहुत उस तरह का बोलता है, आगे घुमा के देता है, लेकिन वो है तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तब कर सकते हो। तो यहाँ पे n2 है ना, इसका मतलब क्या था, n2 था ना, xn is n2 एक्चुअली, तो n2 is 1, कुछ आइडिया मिल जाएगा तो कर सकते हो, और n2 is 1 और n1 is 0। अब ये निकालो इसका, तो 0 से 1 में 0 कस्टमर और 1 से 2 में 1 कस्टमर, ये चीज है। तो ये आ जाएगा लैम्डा ई की पावर माइनस, है ना, देख चेक करो उसको डिवाइड करके, तो ये कुछ लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा आ जाएगी। इंटरसेक्शन लो यहाँ पे फिर से, तो न्यूमरेटर बनेगा, पहले एक मिनट में जीरो कस्टमर आया और अगले एक मिनट में एक कस्टमर आया, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तुम देखो तो जीरो से वन की प्रॉबर्टी नॉन जीरो आएगी, वन से टू भी जा सकते हैं। हाँ अब अगर वो तुम देखो क्या वन से जीरो आ सकते हो वापस, अगर तुम देखो कि x2 बराबर जीरो एंड x1 इज वन, ये क्या आएगा? अब बताओ, पहले एक मिनट में एक कस्टमर आ गया और पहले दो मिनट में जीरो कस्टमर आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जीरो हो जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, तो मतलब तुम रिटर्न नहीं आ सकते। तो जीरो से जीरो जा सकते हो, जीरो से वन, वन से वन जा सकते हो, फिर वन से टू, टू से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, यू कैन नॉट रिटर्न। तो इसका क्या मतलब है, फिर तो ट्रांजिएंट हो गया, है ना, और ये इनफिनाइट एक्चुअली वो है ना, मतलब इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ क्या बोलते हैं स्टेट स्पेस है, है ना, क्योंकि फाइनाइट स्टेट स्पेस होता कम से कम एक तो रिकरेंट आता, लेकिन यहाँ पे कोई भी तुम्हारा रिकरेंट नहीं आएगा, एक बार बाहर निकल गया तो आने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगी। सो ऑल स्टेट्स आर एक्चुअली ट्रांजिएंट, ठीक है, तो यहाँ सारे स्टेट ट्रांजिएंट ही होंगे, तो इससे स्नडी भी नहीं हो सकता, सॉरी स्नडी कर रहा हूं, इरेड्यूसिबल होने के लिए क्या होना चाहिए था, इरेड्यूसिबल होने के लिए मतलब कम्युनिकेटिंग, तो हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, इसमें दो बस एक करेक्ट है, बाकी गलत हो जाएगा, इसका दिमाग लगा हो जाएगा, नेट में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आता है, गेट में क्या बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, इजी आता है, नेट में थोड़े ऐसे घुमा के आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे भी नेट की तैयारी करवा दोगे, ऐसे मैं नेट का मैं सोचा था नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करूंगा, लेकिन चलो इस बार तैयारी हो जाएगी। देखो अभी क्या है, तुम अगर एक चीज नोटिस करो, इतना टाइम यहाँ क्यों लगा है, क्योंकि मैं मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, बहुत सालों से नहीं किया है, जब मैं नेट दिया होगा तब, और चूंकि मैं पढ़ाता भी नहीं उस लेवल पे, अगर भाई जो बच्चा प्रैक्टिस में है, तुमने अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना, वो इजीली तुम्हें पता चल जाएगा, क्योंकि मैं भी समझ लो मेरे लिए भी ये सब नया क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने नेट के क्वेश्चन कोई किए नहीं है, जब मेरा नेट निकला तब मैं स्टैट्स का क्वेश्चन करता भी नहीं था, नेट में एक्चुअली अटेम्प्ट करता भी नहीं था, हाँ हाँ, क्योंकि मैंने मैथ्स क्योंकि उस समय मैं स्टैट्स का क्वेश्चन करता भी नहीं था उस टाइम जब नेट का देता था, लेकिन ये चूंकि मुझे अब खुद सीखना है या जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो सीखने के लिए, क्योंकि मुझे खुद हेल्प करेगा रिसर्च में, अगर जितना अच्छा आपका नॉलेज डेप्थ है उतना रिसर्च में हेल्प करता है ये चीजें, तो समाओ मैं भी सीख ही रहा हूँ ये समझ लो, ये है, लेकिन ठीक है इस बहाने सीख लेंगे। तो कौन सा 105 ये क्या कह रहा है, 103 अच्छा 103 है ना, तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीखने में क्या दिक्कत है, 103 में पहले बताया था, एक बार तरुण ने पूछा था, तो देखो 103 में कराया था याद आया, ये उसके डेफिनेशन पे है, ये प्रोबेबिलिटी का जो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन है ना उस पे है, तो ये एक बार तरुण ने पूछा था तो मुझे याद है, तो ये बता रखा है, देखो ये कह रहा है कि 103 कि ओमेगा एफ विद द प्रोबेबिलिटी स्पेस एंड ए कोई इवेंट है, पी ए मोर देन 0 है,
सो विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट सेटिस्फाई प्रोबेबिलिटी मेजर, मतलब सिंपली आपको एक्सियोमेटिक डेफिनेशन अप्लाई करना है. क्या कंडीशन होता था कि प्रोबेबिलिटी होने के लिए पी ए मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सेकेंड पी ओमेगा वन होना चाहिए, एंड तीसरा अगर मान लो ए वन ए टू अप टू डॉट डॉट दे आर एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए आईज या दे आर इवेंट्स, ठीक है ना, सिग्मा फील्ड बोलो या बोल दो इवेंट है, दे आर इवेंट्स, सॉरी क्या लिखते हो, यूनियन ना, यूनियन ऑफ ए आईज इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या होता है पेयर वाइज डिसजॉइंट, ये छोड़ दिया मैंने, पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो यूनियन ऑफ ए आईज आई फ्रॉम वन टू एन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई. ये तीन कंडीशन था कि यू हैव ए वन ए टू ए थ्री एन आर पेयर वाइज डिसजॉइंट एलिमेंट फ्रॉम द सिग्मा फील्ड, पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज. तो यहां तुम्हारा इसी पे सारा ऑप्शन देख लो तुम बस, कि ओमेगा की प्रोबेबिलिटी किसमें वन आएगी. तो जैसे पहला है तो P प्रोबेबिलिटी मेजर है, वो दे रखा है मुझे, मुझे Q का चेक करना है, तो Q P अगर सेटिस्फाई करता है ये, मुझे Q में चेक करना है करेगा कि नहीं करेगा. तो सिंपली तुम देख लो यहां पे, तो आप सिंपली चेक करो इसमें क्या होगा. तो यहां पे क्या होगा कि जो Q D है, D इवेंट है एक्चुअली, है ना, A की जगह D लिख रहा है वो, तो A यूनियन D. तो अगर मैं डी के जगह मान लो वो रख दू सैंपल स्पेस, सो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक, ए ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो आप 103 में, क्वेश्चन 103, तो यहां ओमेगा हम वन हो जाएगा, लेकिन बी में क्या होगा, बी ऑप्शन में डी को ओमेगा रख दो, सब में डी को, चारों ऑप्शन में डी के जगह ओमेगा रख दो सैंपल स्पेस, फिर चेको क्या होता है, आंसर क्या आता है, वन आना चाहिए. तो जिसमें वन आएगा वो हो सकता है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं होगा. तो बी ऐसे ही आउट हो जाएगा, देखो क्योंकि बी क्या ए इंटरसेक्शन ओमेगा ए हो जाएगा, तो वन तो आएगा नहीं, तो आउट. सेम चीज आप थर्ड में देखो कि जब डी को आपने रखा ओमेगा, तो ए इंटरसेक्शन ओमेगा कंडीशनल लगाओ अपॉन दिस, तो यहां भी वन नहीं आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ए ही आ जाएगा, तो थ्री भी आउट हो गया. अब फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या है कि ओमेगा इंटरसेक्शन ए, तो ये ठीक है. अच्छा यहां भी पंगा होगा, ओमेगा इंटरसेक्शन ए है ना, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी लगाओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है ये वन आ जाएगी, ये वन आ जाएगी क्योंकि डी इंटरसेक्शन ए ओमेगा इंटरसेक्शन ए ऊपर है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए कट के वन आ जाएगा. तो यहां से क्या हो गया, टू थ्री आउट हो गया आपका, अब या तो वन सही होगा या फोर्थ सही होगा, ठीक. तो अब आपको यूज करना है क्या, कि अब एक पी ए तो सब में पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो है नहीं, पहला तो क्या सेटिस्फाइड ही है, दूसरा हमने चेक किया अभी, तो दूसरे चेक करने की हाँ, अब इसमें देख लो, अब तो ए यूनियन डी और डी गिवन ए, तो ए यूनियन डी क्या होगा, ए यूनियन ए वन ए यूनियन ए टू एंड सो ऑन, तो क्या ये पेयर वाइज डिसजॉइंट बनाएंगे, कॉमन आ जाएगा ना. अच्छा डी गिवन ए वन डी गिवन ए टू, ये कह रहा हूं यहां पे के बारे में तो पता नहीं है, मतलब ए और डी तो नहीं नहीं, मतलब डी वन डी टू ये सेट्स हैं, डी को एज अ बी समझ लो या एक इवेंट ई आई लिख लो, अगर आपको डी में प्रॉब्लम हो रहा है सो डी के प्लेस में ई आई रख दो, ई हां ई एंड डी डिसर्टिंग ये तो पता नहीं है, तो इस प्रॉब्लम अप्लाई कर पाएंगे क्या काउंटेबल यूनियन सम हो जाएगा. ओके तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि ई वन ई टू ई आई एंड आर पेयर वाइज ई आई इंटरसेक्शन ई जे is equal to 5 है, तो होना चाहिए probability of union of EIs, है ना, यहाँ क्या होना चाहिए probability of union of EIs should be equal to summation of probability of EIs I from 1 to n, ठीक. तो यहां से आ जाएगा, so यही चेक करो अभी किस में true होगा, ये ए में क्या होगा कि ए यूनियन डी है, जैसे मैं लिखूं अगर कि यहां पे इसने कहा है कि मैं मान लेता हूं कि जैसे ए यूनियन ई वन और ए यूनियन ई टू, अगर ई वन इंटरसेक्शन ई टू फाई है, क्या लगता है ये दोनों फाई आएगा इंटरसेक्शन इसका, नहीं ये आ जाएगा, है ना, तो इसका मतलब है फाई तो नहीं आएगा, तो पेयर वाइज जॉइन तो है नहीं, तो आई थिंक डी सही होना चाहिए, देखना पड़ेगा.
हाँ जी 105, देखो 105 कह रहा है कि एक्स एन बी द रिजल्ट ऑफ द इनेथ, क्या बोल रहा है, इनेथ रोल ऑफ अ फेयर डाई। देखो सो 105, सो एक्स एन जो है रिजल्ट ऑफ द इनेथ रोल ऑफ अ फेयर डाई, ठीक है। सो एक्स एन है रिजल्ट ऑफ इनेथ रोल ऑफ फेयर डाई। तो मतलब ये है कि एक्स वन का मतलब हो गया कि रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट रोल ऑफ अ फेयर डाई, मतलब पहली बार फेंका और क्या आया। तो यहाँ तो हर इवेंट इंडिपेंडेंट ही होता है, डाइस हमेशा इंडिपेंडेंट, मतलब फर्स्ट डाइस और सेकंड डाइस तो इंडिपेंडेंट ही रहता है। चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो अभी ये बताओ, अभी एक्स एन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तुम्हें आइडिया है व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एन फर्स्ट रोल में एक्स वन का? बाइनोमियल होगा, कैसे बाइनोमियल व्हाट? एक्स वन है आउटकम ऑन द फर्स्ट थ्रो, बताओ इसका हाँ, ये एक्चुअली यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म। है ना, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी इक्वल ही आएगी। मतलब एक्स वन को आउटकम क्या है, इसका सपोर्ट होगा 1, 2 से 6 तक, ठीक है। तो और ये फेयर है, तो फिर ईच ही प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो ये यूनिफॉर्म है एक्चुअली, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। जब वो पूछता है कि मतलब 10 बार टॉस किया और 4 बार वन आया तब जाके बाइनोमियल होता है। तो नंबर ऑफ सक्सेस वाला केस हो, यहाँ पे सक्सेस नहीं है, सिंपल आपका आउटकम ऑन द फर्स्ट थ्रो एक्स वन है एनए थ्रो, तो हर बार वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ही फॉलो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका एस एन है सम ऑफ एक्स आई आई फ्रॉम 1 to n एंड वाई एन का मतलब बी द लास्ट डिजिट ऑफ एस एन। ओके, तो एस एन का नया नोटेशन दिया, एस एन जो है सम ऑफ एक्स आई है एंड वाई एन जो है लास्ट डिजिट ऑफ एस एन, एस एन मतलब सम है ना। तो लाइक सो पहले थ्रो पे जो नंबर आया वो एक्स वन है, दूसरे थ्रो पे जो नंबर आया वो एक्स टू है, तीसरे थ्रो पे जो नंबर आया एक्स थ्री है, एन थ्रो पे जो नंबर आया वो एक्स एन है। वाई एन जो है सम करने के बाद जो आएगा उसका, तो सम तो कुछ भी आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इस तरह से डिपेंड करता है एन क्या है। ओके, तो वाई वन का मतलब लास्ट डिजिट ऑफ एस वन, एस वन का मतलब है जस्ट एक्स वन है ना, तो 1 से 6 तक आ सकता है एस वन का सम। वाई टू का मतलब है लास्ट डिजिट ऑफ एस टू, एस टू का मतलब है एक्स वन प्लस एक्स टू, तो एक्स वन प्लस एक्स टू का रेंज क्या हो सकता है 2 से 12 राइट। हाँ, और ऐसे ही तो वाई एन का रेंज क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक्स वन से एक्स एन तक ये कहाँ बिलोंग करेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? से अरे उल्लू, मिनिमम कितनी आएगी? नहीं, होगा एन तक ऐड हुआ है तो सबकी मिनिमम वैल्यू 1 है। एन से स्टार्ट होगा एंड 6n तक, क्योंकि सबकी मिनिमम वैल्यू 1 है और सबकी मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू n से 6n तक आएगी। वही हमारा yn जो है वो लास्ट डिजिट ले रहा है, क्योंकि डिजिट ले रहा है तो डिपेंड करता है ना कि लास्ट डिजिट क्या है, n कितनी बार टॉस किया। जैसे आपने n अगर एक बार ही किया तो 1 से 6 है, 2 बार किया तो 2 से 12 है, 3 बार टॉस किया तो 3 से 18 है, इस तरीके से है। तो लास्ट डिजिट वो yn है, पूछ क्या रहा है आपसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वाई एन एक इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है, वाई एन ए पीरियोडिक है, और वाई एन बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, वाई एन बराबर 5 की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो पहले तो यही चेक कर लो। तो फिर से वही है, तुम देखो तुम लोग क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए घर पे थोड़ा एफर्ट मारो, घर पे क्या तुम डेफिनेशन लगाने की कोशिश करो। जैसे अब सिंपल पूछा है कि वाई एन बराबर 0 कब होगा, तुम सोचो वाई एन लगता है कभी 0 हो पाएगी? हाँ, लेकिन तब होगी जब लास्ट डिजिट 0 होगी ना। लास्ट डिजिट 0 कब आएगी? जब एस एन वाई एल 0 कब होगी, जब एस एन की वैल्यू सम कितनी आ जाए, या तो 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए। तो ये सब तुम्हें खुद पूछना पड़ेगा ना खुद से, ये तो वही बता रहा हूं। तो सोचो वाई एन 0 कब होगा, तो ये वैल्यू आएगी।
अब कब बोल रहा है ये वैल्यू? बोल रहा है जब एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है। सो बताओ ये कब होगा ऐसा? सम 10 कब आएगा, सम 20 कब आएगा, 30 कब आएगा? एन वेरी लार्ज है, एंड तुम्हें टू टू की पावर एन, टू से टू जाना है एन स्टेप में। तो टू से टू जाना है जीरो स्टेप में, ये क्या होगा? वो तो बता रखा है तुम्हें। अच्छा जीरो स्टेप नहीं, वन स्टेप है ना, तो वन स्टेप में क्या होगा? तो इसका अगर स्ट्रेस वो निकालो तुम, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन तो दिया नहीं है। सो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी? तो इसका डायग्राम बना लो, क्या दिक्कत है? तुमने डायग्राम बनाए थे? हाँ सर। क्या क्वेश्चन सर? सिंपली ये तो तुम्हारा सर डायग्राम से हो जाएगा। कि टू से टू जाना है एन स्टेप में, लिमिटिंग प्रॉपर्टी। देखो लिमिटिंग निकालने के लिए तो एक चीज चेक कर लो पहले तुम, कि इसका है ना, जैसे एक तो तुम पाई पी इज इक्वल टू पाई सॉल्व करके देख सकते हो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है। तो उस जरूरत नहीं है डायग्राम से, अच्छा डायग्राम से ही आ आसान आ जाए। जाएगा अच्छा तो इससे स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आता तो जीरो हो जाएगा। अच्छा तो डायग्राम बना के देख लो, इसमें जीरो हो जाएगा। तो और उसका हाँ सम फोर तो कैंसिल हो गया, कौन सा आंसर है? सेकंड वाला मुझे लग रहा है। अच्छा तो आंसर की दिया, किस साल का पेपर है? आंसर की चेक करो ना, बिना आंसर के कैसे पता चलेगा? हाँ तो आ जाएगा डायग्राम बना के, इसको भेज दो तुम्हें जैसे किया है पर उसको भेज दो। और क्या वैसे ही डायग्राम फिर बनाऊंगा ना वन से। ये इंफिनिटी वाला केस कैसे होगा? तो तुम्हें सम निकालना पड़ेगा कि टू से टू। प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो स्टेप और वन स्टेप में मिल सकता है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद तो जीरो हो जाएगा सारा प्रोबेबिलिटी, अच्छा तो फाइनाइट आ जाएगा सब। तो वो तुम ग्राफ बनाओगे दिख जाएगा ना कितने टू से टू में कितने स्टेप में आ सकते हैं हम, तो उतने स्टेप में तुम आके फिर उसको ऐड करो। जैसे क्या करना है, सम का मतलब क्या है कि टू टू ऊपर एन लगा हुआ है, तो एन को रखो वन टू थ्री फोर, सम कर दो कितने स्टेप में, टू से तुम्हें उतने स्टेप में टू पे आना है और उसकी प्रोबेबिलिटी एट द एंड ऐड कर देनी है। तो तुम्हें या तो ज्योमेट्रिक सम बनेगा या कुछ ऐसा बनेगा, तो सम निकालना है तो उसको सॉल्व करके भेज दो। और पर अगर किया है तुमने, नेक्स्ट बताओ ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे टाइम भी हो गया, ऐसे सब ट्राई करो तुम लोग खुद डिस्कस करो। नेट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व तो करना ही है ऐसे तो, क्यों मैं सोच रहा हूँ कि नेट का बैच नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँ ताकि इस बहाने सीखने के और लिए। ये लास्ट वाला था क्या? कहेंगे सपोज कस्टमर्स अराइव इन अ शॉप अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस विद रेट 4, तो लैम्डा इज 4, शॉप ओपन्स एट 10 AM ठीक, एंड इट इज गिवन दैट द सेकेंड कस्टमर अराइव एट 10:40। तुम्हें बता रखा है कि सेकेंड कस्टमर अराइव एट 10:40, सो 10 बजे खुला एंड 10:40 पे, सो 10:40 का मतलब कितना हो गया n, जो तुम्हारा 40 मिनट का मतलब 40/60 इज इक्वल टू 2 दे दिया है ना, ये तुम्हारे पास है। अब ये गिवन है तुम्हें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर आई बिफोर 10:30? क्या दिक्कत है तुम्हें? 10:30 का मतलब तुम मतलब इतना इंटरप्रेट क्या नहीं करते हो ठीक से, ये तो मुझे आसान सा लग रहा है। सो ये पूछ रहा है तुमसे कि लाइक प्रोबेबिलिटी n 30/60 इज इक्वल टू 0 गिवन एन। अभी तो गेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, अभी तो आया था ना, किया ना मैं ऐसे क्वेश्चन अभी गेट में, इसको कैंसिल कर लो। प्रोबेबिलिटी एन 1/2 इज इक्वल टू 0, मतलब 30 मिनट को मैं आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, हाफ एन आर हो गया ये, और ये 40 मिनट को आर में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, कितना हो गया ये 2/3,
क्या ये क्वेश्चन हमने अभी किया नहीं इस तरह क्वेश्चन? ये तो इजी है, मतलब ये तो मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। क्या ये तुम्हें कैलकुलेट नहीं कर दोगे तुम ये? हाँ सर हो जाएगा। तो क्या इंटरप्रेट करते हो, इस तरह कोशिश करो क्या कहना चाह रहा है नोटेशन में कि n 1 by 2 0 है, हाफ एन आवर में 0 आने क्या प्रोबेबिलिटी अगर ये इंटरसेक्शन, या तो बताया था ना इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी तो बताया था कि ns गिवन nt इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, nnt बराबर मान लो फॉर एग्जांपल क्या लिखा था, तो बाइनोमियल ये तो बर्नौली हो जाएगा बट हां अगर गिवन कुछ भी है मान लो n है तो इसका था कि बाइनोमियल n कॉमा s / t यही था ना ये ज्यादा आएगा 3/4 आएगा है ना, t by s by t है ना यहाँ पे s s by t है तो कट जाएगा, तो हो गया आप कर लो इसको जीरो पे क्या आता 1 - p 1/4 आ जाना चाहिए, हो गया ये ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट है ना जीरो पे, क्योंकि 1 पे आती है 3/4 तो जीरो पे आ जाएगी 1/4 ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन वो है बाइनोमियल 1, 3/4 तो है ना, तो 3/4 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, फेलियर की प्रोबेबिलिटी पूछा है यहां पे तो इज 1/4 ठीक है। ट्राई करो ऐसे डिस्कस करेंगे, मतलब आप डाउट क्लास अलग रखना पड़ेगा गेट का अलग जैम का अलग, क्योंकि जैम वाले बच्चे ये सब करके क्या ही करेंगे तो है ना, क्योंकि उनका टाइम ही किल होगा इसमें। एनीवे मतलब नेट निकालने के लिए ये सब करना जरूरी है, क्योंकि नेट में आई थिंक बोझल नहीं आता, लेकिन गेट निकालने के लिए जैम और थोड़े से एक्स्ट्रा कर लोगे काफी है। गेट इनको निकालना है तो जैम वाले पोर्शन में फोकस करो, 60-70 हुए एप्टीट्यूड फोकस करो, और ये बाकी जो करा रहा हूँ ये 20-25 नंबर का मैक्सिमम 25 नंबर का है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो जैम से है ना अराउंड 25 लगा लो तो वो है, बाकी तो उधर के ही है। तो गेट निकालने के लिए ये काफी है जैम और थोड़ा सा वो पोर्शन, फिर भी अपने हिसाब से तुम तैयारी करो तुम्हें जैसा लगता है ठीक है। चलो अभी के लिए स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल, थैंक यू तो